ड्रैगन बॉल की सीरीज केवल अपने अल्टीमेट बैटल्स के लिए नहीं बल्कि कभी कभी कैरेक्टर डेवलपमेंट्स के लिए भी जानी जाती है। और रिसेंट ड्रैगन बॉल सुपर के मंगा चैप्टर 78 के अंदर वेजिटा ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि वेजिटा के हुए कैरेक्टर डेवलपमेंट को एकदम साफ इंडिकेट करते हैं। वैसे अभी तक तो आपने ड्रैगन बॉल सुपर का मंगा चैप्टर 78 देख लिया होगा कि कैसे गैस यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन गया और कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बाद गैस ने ग्रानुला को ऑलमोस्ट डेथ पॉइंट पर पहुंचा दिया। देन यहीं पर एक मोमेंट आता है जहां पर वेजिटा को एक सेंजो बीन मिलती है और वेजिटा उस सेंजो बीन को एक्चुअली में ग्रानुला को देने की कोशिश करता है। यहाँ पर वेजिटा ग्रानुला से कहता है कि तुम्हें अपना रिवेंज कंप्लीट करना है ना, तो तुम अपने रिवेंज को अपनी खुद की पावर से सेटल करो, ना कि हमारी से। सो अब यहाँ पर अपन को वेजिटा की ये लाइन्स एंड उसका ये एक्शन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कि आखिर वेजिटा यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहा है। क्या यहाँ पर वेजिटा को अपनी खुद की पावर पर भरोसा नहीं? कहीं इसलिए तो वेजिटा ग्रानुला को बैटल के लिए आगे नहीं कर रहा ताकि वेजिटा खुद बैटल से बच सके? बट यार, जहाँ तक अपन सभी वेजिटा को जानते हैं, वेजिटा ऐसा नहीं है। वेजिटा कभी भी बैटल से नहीं डरता और वेजिटा बुलमा के अलावा अगर किसी और चीज़ पर भरोसा करता है तो वो बिना किसी डाउट के अपनी खुद की पावर है। साथ ही वेजिटा ने अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म के साथ ग्रानुला को बैटल के अंदर ऑलमोस्ट डिफीट कर दिया था, तो यार ये इसका पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता। बट अगर अपन वेजिटा के पास्ट को देखते हैं तब हमें वेजिटा के इन लाइंस एंड उसका इस तरह सेंजोबीन को देने का ट्रू रीजन पता चलता है। ड्रैगन बॉल जी के स्टार्टिंग टाइम पर जब वेजिटा को पहली बार सीरीज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब वेजिटा एक्चुअली में काफ़ी एरोगेंट टाइप था। बट वो एरोगेंट वेजिटा एक सर्टेन पर्सन को मारकर अपने रिवेंज को सेटिस्फाई करना चाहता था। फ्रीजा ने किड वेजिटा को प्लैनेट वेजिटा के डिस्ट्रक्शन का ट्रू रीजन एक्चुअली में किसी मीटियोर को बताया था। देन टाइम के साथ वेजिटा को ट्रुथ का पता चल जाता है। वेजिटा को पता चल जाता है कि प्लैनेट वेजिटा को एक्चुअली में फ्रीजा ने डिस्ट्रॉय किया था। सो वेजिटा फ्रीजा को मारकर अपनी सीएन रेस का रिवेंज कंप्लीट करना चाहता था। वेजिटा ने फ्रीजा के अगेंस्ट अपने इस ग्रज को सेटल करने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जो वो कर सकता था। बट आखिरी में वेजिटा अपने इस ग्रज को सेटल नहीं कर पाता क्योंकि उस टाइम वेजिटा इतना पावरफुल नहीं था कि वो एक्चुअली में फ्रीजा को डिस्ट्रॉय कर पाता। हालांकि उस टाइम गोकू ने फ्रीजा को ठिकाने लगा दिया था। बट यार, ये बात वेजिटा के रिवेंज को कंप्लीट नहीं करती। देन वेजिटा अपनी आगे की जिंदगी इसी रिग्रेट के साथ जीता है कि वो फ्रीजा को फिनिश नहीं कर पाया। सो वेजिटा को उस रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट की फीलिंग का अच्छे से आइडिया है कि अपना लॉन्ग लास्टिंग रिवेंज ना मिलने पर एक्चुअली में कैसा फील होता है। और आई थिंक वेजिटा कभी नहीं चाहता कि कोई और उस फीलिंग के साथ सफ़र करे। दैट्स वाई यहाँ पर वेजिटा ग्रानुला के इस रिवेंज को उसकी खुद की पावर के जरिए सेटल करवाना चाहता है ताकि ग्रानुला को उस रिग्रेट टाइप फीलिंग के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी ना गुजारनी पड़े जिसके साथ वेजिटा एक्चुअली में अभी गुजार रहा है। इसलिए वेजिटा मंगा चैप्टर 78 के अंदर ग्रानुला को सेंजोबीन देते हुए उसे बैटल के लिए तैयार करता है। वैसे अगर अपन ड्रैगन बॉल जी वाले वेजिटा एंड ग्रानुला की सिचुएशंस को देखें तो यार इनके अंदर वाकई में काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। नंबर वन कि ये दोनों ही अपना रिवेंज लेना चाहते हैं एंड नंबर टू इनके रिवेंज का रीजन एक्चुअली में इनकी रेस का वाइप आउट होना है। प्लस जब वेजिटा एंड ग्रानुला का बैटल चल रहा था तब ऐसे कई पॉइंट्स आते हैं जहां पर वेजिटा ग्रानुला को अपने अंदाज में समझाने की कोशिश करता है कि जब तुम्हारी रेस को वाइप आउट किया गया था तब वो एंड कैकरोट केवल किड्स थे, सो उनका इस रिवेंज से कोई लेना देना नहीं है। प्लस उस टाइम सेंस केवल फ्रीजा के ऑर्डर को फॉलो करते थे, बट एज यू नो कि ग्रानुला इस बात को एक्सेप्ट करने से बिल्कुल इनकार कर देता है। तो अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ऑन कर लो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।